टोक से एक सनसनी फैला देने वाली खबर सामने आई है, और सामने आया है एक कलयुगी बीवी का काला कारनामा। वो बीवी जो नाबालिग है, महज 15 साल की है, और जिसने अपने 1.5 साल के प्यार को परवान चढ़ाने के लिए 6 महीने पहले हुई शादी को कुर्बान कर दिया और फैसला किया प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की। फैसला हो गया, बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान भी बना लिया, और प्लान भी ऐसा कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक लड़की का प्रेमी अपने दोस्त के साथ लड़की के पति को बाहर घूमने की बात कहकर ले जाता है। अब क्योंकि लड़की का प्रेमी उसके परिवार और पति को काफी पहले से जानता था, तो पति ने भी साथ जाने से इनकार नहीं किया, और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। इसके बाद तीनों साथ में शराब पीते हैं, खूब पार्टी होती है, लेकिन इसी बीच प्लान था पति को निपटाने का। तो जैसे ही शराब का सुरूर चढ़ता है, मौका पाते ही लड़की का प्रेमी और दोस्त उसके पति पर शराब के बोतल से ही हमला कर देते हैं। एक के बाद एक कई वार होते हैं और लड़की का पति वहीं दम तोड़ देता है। 14 अप्रैल को पचेवर थाना इलाके में सोटवाड़ा गांव में कुएं में एक बॉडी मिली थी, काफ़ी क्षत विक्षत स्थिति में, और क्षत विक्षत होने के कारण मौके पर ही उसका बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवाया था। मैंने खुद ने भी घटनास्थल का विजिट किया था। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी पहले से दर्ज करा रखी थी, और बाद में बॉडी मिलने के बाद में उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इसका अनुसंधान SHO पचेवर श्री राजमल कुमार द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने आसूचना जुटा के और अपने तरीके से अनुसंधान करके उसमें कुछ तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, तो ये पता लगा कि इसका शादी 1 साल पहले हुई थी लगभग, और इसकी जो पत्नी है वो नाबालिग है अभी, तो पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाह के किसी उसी के गांव का निवासी, कुड़ली गांव है फागी थाना इलाके में, उसके गांव के निवासी प्रधान जाट के साथ रहना चाहती थी। इन्होंने प्लान करके और 1 तारीख को ही वो आए और इसको ले गए, और साथ में शराब पी, शराब पीने के बाद नशे में बियर की बोतल के कांच से काट के इसका गला काट दिया और बाद में कुएं में डाल दिया। आपको बता दें कि ये हत्या 1 अप्रैल को हुई थी। 14 अप्रैल को टोंक पुलिस को एक कुएं में डेड बॉडी मिली, और अब करीब महीने भर बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल कत्ल के आरोपी 15 साल की नाबालिग पत्नी, उसका प्रेमी प्रधान जाट और दोस्त अभिषेक मीना पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है कि कैसे एक 15 साल की नाबालिग पत्नी इतना बड़ा और घातक कदम उठा सकती है। अपने 1.5 साल के प्यार के लिए उसने ये कदम तो उठा लिया, अब सारी उम्र वो अपने प्रेमी के साथ तो रहेगी, लेकिन सलाखों के पीछे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।